पिपरौली ब्लॉक के तहत आने वाले भावापार गांव के कालाजार की रोकथाम के लिए लगातार 10 दिनों तक कीटनाशक का छिड़काव कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि पिछले साल इस गांव में कालाजार का एक मामला प्रकाश में आया था। ऐसे स्थान जहाँ कालाजार का एक भी केस सामने आता है वहाँ 3 साल तक वर्ष में 2 बार छिड़काव करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि छिड़काव कार्य के सिलसिले में SCMO डॉक्टर IB विश्वकर्मा और जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर AK पांडे की मौजूदगी में पिपरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में विश्व स्वास्थ्य संगठन के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सागर, स्वयंसेवी संस्थापाद के प्रतिनिधि डॉक्टर ज्ञान ने भी सहयोग किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निरंकेश्वर राय समेत CSC स्टाफ, आशा, ANM और 6 वर्कर्स को छिड़काव के दौरान रखी जाने वाली सावधानी के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का आयोजन COVID-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किया गया। सभी प्रशिक्षुओं को समझाया गया कि वह फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए मास्क व ग्लव्स का इस्तेमाल सावधानी के साथ छिड़काव करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, कालाजार की हमारी ट्रेनिंग सरदारनगर ब्लॉक पिपरौली ब्लॉक में हो चुकी है। वहाँ छिड़काव का भी कार्य चल रहा है। कालाजार कोरोना के साथ साथ हमारा जैसे JEE प्रोन जिला है और कालाजार का कई साल पहले एक केस मिला था, वो सारी चीज़ें भी हम साथ साथ चला रहे हैं ताकि हम अन्य बीमारियों को भी रोक सकें। अब तो कोरोना तो सभी जगह है बट कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक पर्टिकुलर ज़िले मंडल में हैं, उनमें क्या हमें पहले से हम करते आए हैं वो सब कार्यवाही भी हमने चालू कर दी।